कैसे हो? फिर से आपका मेरे चैनल में वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप सब। तो यहाँ मैं अभी बनाने जा रही हूँ गोंद गोंद के लड्डू। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसे नहीं। तो अभी बहुत सर्दी हो रही है, कोट मैंने निकाल दिया है क्योंकि मैं गोंद डालूँ तो कोट बार बार नीचे आएगा, नीचे ऊपर आएगा, तो इसलिए मैंने कोट निकाल दिया। स्वेटर तो ऊपर हो जाएगी, कोट ऊपर नहीं होता है। तो चलो अभी हम डाल रहे हैं गोंद, और गोंद डालते हैं वो दिखाती हूँ आपको और बताना आपको मुझे मेरी कैसी लगी कैसी नहीं मेरी रेसिपी। तो चलो देखो। और सर्दियों में गोंद बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में खाया जाता है, दूध के साथ खाएं तो और भी अच्छा लगता है। तो चलो देखें। आज यहाँ मैंने घोड़ा भी कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ इसको। घोड़ा कद्दूकस कर दिया है मैंने यहाँ गाइस। और अब मैं देखो ये बादाम है, आधा किलो बादाम है, ये पूरे के पूरे मैं भी इसमें कद्दूकस कर देती हूँ उनको भी। और आधा किलो से कम ये काजू हैं और ये भी हम इसके अंदर डाल के पीस लेते हैं, दोनों ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको ही। और गाइस मैंने अब ये बादाम और काजू भी मिक्स ये में पीस दिए नहीं, ग्राइंड कर दिए हैं। अब इसके अंदर इसको भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लूँगी। ये देखो मैं ले लिए हैं एक पाव तिल है और ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ। और अभी मैं आटा छान लेती हूँ और यहाँ मैंने आटा भी छान लिया है। तो लो इसको हम भून लेते हैं। ये मैंने यहाँ 2 किलो आटा लिया है और इसको मैं अभी भूनती हूँ। तो गाइस देखो यहाँ मैं आटा भून रही हूँ और ये देखो मसाला भी मेरा सारा तैयार है, घोड़ा बादाम काजू और तिल। तिल मैंने भी घर भुने डाले हैं क्योंकि तिल भून के नहीं डालती हूँ, मुझे कच्चे ही अच्छे लगते हैं। और ये है गोंद है 1/2 किलो और ये मैं इसके घी में निकालेंगे। और यहाँ दिल्ली में गोंद अच्छा नहीं मिलता है, मैं मेरे घर से लेकर आई थी गोंद। तो चलो अभी आटा भून लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा लाल होने तक भूनेंगे हम। ये देखो इसको लाल करने तक ही भूनेंगे आटे को। और ये 2 किलो आटा मैंने ले लिया है, अब मेरा लगना शुरू हो गया। चलो मैं इसको चम्मच घुमाते रहेंगे इसके साथ साथ, नहीं तो नीचे से लग जाएगा, साथ साथ चम्मच नहीं घुमाएंगे तो नीचे से काला पड़ जाएगा, तो मैं भी घुमा रही हूँ उसको। तो ये देखो गाइस और ये मैं साथ के साथ देखो इसको घुमा रही हूँ। देखो नीचे से देखो बिल्कुल लाल हो गया हुआ शायद, देखो आपको दिखाई दे रहा हो, देखो ये यहाँ से। चलो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। अब आटा मैंने गैस से उतार दिया है कि देखो आटा हमारा लाल हो चुका है, अब ये लाल हो गया है, शायद आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। और ये देखो बिल्कुल आटा लाल हो गया है। अब इसके अंदर मैं गोंद घी में डाल के वो डाल देती हूँ। और यहाँ मेरा घी गर्म हो गया है, आटा ये रखा है और ये है गोंद और इसके अंदर हम गोंद डालेंगे। ओ सॉरी हाथ में लग गया। तो अभी ये घी देखो ये भी फूलने लगा घी में डालते ही गोंद, और सारा इसके अंदर देखो फूल रहा है नहीं, ये देखो अभी फूल जाएगा। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे गोंद को घी के अंदर। ये देखो गोंद हमारा भी अच्छे से फूल गया है और अभी इसको निकाल निकाल कर हमें आटे के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखो ये ऐसे करके और ऐसे कर करके मैं पूरा ही गोंद इसके अंदर, ये पूरा ही गोंद इसके अंदर ऐड कर दूंगी आटे के अंदर। तो ये मैंने गोंद इसके अंदर ये मैं फ्राई करके डाल दिया है और इसके अंदर इसको फोड़ देते हैं गोंद को जिससे अच्छे से हो जाए। गोंद को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फोड़ लेंगे, अगर इससे नहीं फूट रहे किसी और चीज़ से फोड़ लेंगे, लेकिन आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हो क्योंकि मुझे मोटा मोटा गोंद ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही फुला के मिक्स कर दिया और मैं इसे अच्छे से फोड़ लूँगी इसके अंदर ही। आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। मसाले को मिक्स कर लेती हूँ सारे को, इसमें घोड़ा बादाम और काजू और तिल इसको मैं अंदर डाल लिया इसके और अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। 2 मिनट तक रखिए इसके ऊपर 2 सेकेंड और लियो इसको मैंने अभी अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब सारा पेस्ट मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, सारा मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर, ये सारा मिक्स कर लूंगी। और इसके अंदर अभी मैं बूरा भी ऐड कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने 1.5 किलो बूरा ले लिया है और वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं, और मैं सारा बूरा इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी थोड़ा सा छोड़ दो हमें खाना है, तो ये थोड़ा सा ही छोड़ दिया था। अब देखना टोपियाँ उठा कर ले गए हैं बूरा खाने के लिए,
तो मैं अभी इस पूरे को ही इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद मैं इसमें घी गरम करके भी डाल दूंगी। और ये बिल्कुल मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से, और इसके अंदर मैं घी गरम करके ऐड कर दूंगी, और 2 किलो घी डालूंगी मैं। और मैंने ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा घी अच्छा लगता है, तो आप 1.5 किलो या 1.5 किलो दो भी घी भी ऐड कर सकते हो। तब मैं यहाँ कर रही हूँ घी गरम। और यहाँ इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। तो गाइस मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसके फिर बनाएंगे हम लड्डू। ये देखो यहाँ, ये देखो इसके अंदर घी यहाँ है, ये है घी, ये देखो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ घी को, और अब इसमें मैंने दोबारा भी घी गर्म करके डाल दिया था। देखो ये घी दिखाई दे रहा होगा आपको, और मैं अब इसको धीरे धीरे, क्योंकि गर्म घी था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था, तो मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही थी, हाथ नहीं डल रहा था बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा गर्म था ये। तो मैं इसको धीरे धीरे मिक्स कर रही थी, ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था कोई मेरे पास, तो मैं चलो इसी में मैं चम्मच से इसको ऐड कर देती हूँ। और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ पास में ला के, तो ये देखो मतलब अच्छे से मिक्स कर देना है, और हाथ नहीं डालना, भी गर्म में ज़्यादा डालोगे तो हाथ जल जाएगा, इसलिए एक चम्मच के साथ ही मैं इसको घुमा रही हूँ। गाइस मैं अभी बना रही लड्डू, और ये देखो, और घी में से कुछ ज़्यादा ही गिर गया इसके अंदर, तो ये अभी जैसे जैसे घी और क्या सब दिया है जमता जाएगा अपने आप। तो मैं इसके लड्डू बना के रख रही हूँ। अभी देखो ये लड्डू तैयार हो रहे हैं मेरे। तो देखो गाइस यहाँ मैंने लड्डू दिए बना, और बताना आपको कैसे लगे कैसे नहीं। एक बार आप इस तरह ज़रूर बना के देखना और ट्राई करके देखना, और बताना आपको कैसा लगे कैसे नहीं। तो आज की वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।